प्रयागराज में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अन्न संकल्प लिया है। जिस तरह से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रयागराज के स्थानीय सपा नेताओं ने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं ने अन्न संकल्प लिया है। लखीमपुर में किसानों की शहादत पर गहरा दुख और आक्रोश जताते हुए मुट्ठी में अनाज लेकर संकल्प लिया। किसानों पर अत्याचार किया गया है, उन भाजपा को अब हराएंगे हटाएंगे। समाजवादी पार्टी के सभी सदस्यों ने अन्य संकल्प लेकर और यह भी निर्णय लिया कि 2022 के विधानसभा चुनाव में पूरी मेहनत करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएंगे और भाजपा को पूरे उत्तर प्रदेश से सफाया करेंगे। इसी संकल्प के साथ सभी चुनावी रण में कूद गए और गांव-गांव डोर टू डोर जाकर कैंपेनिंग करेंगे, समाजवादी की नीतियों को लोगों तक पहुंचाएंगे और यह भी आह्वान भी करेंगे कि जिस तरह से किसानों और बेरोजगार युवाओं पर अत्याचार किया है, अब वह समय आ गया है कि 2022 में अपने बहुमूल मत देकर प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी को घर बेचने का काम करें। इसके साथ जिस समाजवादी पार्टी के मैनिफेस्टो में दिए गए वचन का पालन होगा, सभी को 300 यूनिट फ्री बिजली और किसानों को सिंचाई के लिए फ्री बिजली और बकाया बिजली का बिल माफ होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा और अच्छी नीति, अच्छी शिक्षा, स्वास्थ्य, हर व्यवस्थाएं पूरे उत्तर प्रदेश में होगा। विकास की राह पे उत्तर प्रदेश समाजवादी के सरकार में आगे बढ़ेगा।